हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें से हमारा जो पहला है एसेंडिंग ट्रायंगल, सेकंड है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, थर्ड है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न हम लोग सीखने वाले, ये प्राइस एक्शन में काम आते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें से हम लोग सीखने वाले हैं एसेंडिंग ट्रायंगल। तो ये दिखता कैसा है, ये देखो, प्राइस नीचे से आता है, ठीक है, ऊपर जाके एक दो तीन बार, दो से मिनिमम दो और मैक्सिमम तीन चार बार वो एक ही जगह पे जाके रिवर्स आता है, ठीक है। और नीचे एक ये लाइन रहता है, उसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये नीचे के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो आर मीन्स क्या हो गया हमारा, ये रेजिस्टेंस हो गए, R1 R2 R3, ठीक है। और जो S1 S2 S3 हमारे हो गए सपोर्ट्स, ठीक है। ये प्राइस नीचे आएगा ऊपर आएगा, जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, ये इसको एक तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा या फिर नीचे के साइड ब्रेकआउट देना पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा कैंडल्स रहेंगे ना, ये जो दिख रहे कैंडल्स रहेंगे, ये इधर आके थोड़े कम कम छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो लाइव एग्जाम्पल, ये प्राइस नीचे से आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। इसने ही उसको रेजिस्टेंस बनाया है, ऊपर के लाइन को और नीचे के लाइन को सपोर्ट बनाया, ठीक है। और इसने बूम कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी टारगेट्स देखेंगे, इसमें टारगेट कैसे निकालते हैं। तो इसमें कैसे रहता है, ये जो पहला लाइन रहता है इसका, इसमें दो प्रकार के हम लोग टारगेट ले सकते हैं। एक तो छोटे टारगेट ले सकते हैं या फिर एक बड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट ले सकते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, अगर ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो इसको ब्लैक लाइन को उठा के हम लोग इधर ऊपर रख देंगे, ठीक है। देन ब्लू कलर के लाइन हमारी रहेगी वो सेकंड, उसको हम ऊपर रख देंगे उधर, इधर जिधर से ब्रेकआउट किया उधर। बाद में ऑरेंज कलर का लाइन उठा के ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसमें कैसे रहेगा, S1 to S3, मतलब ये जो ये देखो ऊपर के हम लोग जाएंगे ना, S1 से लेकर R3 हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, S2 से लेके R2 तक हो गया हमारा सेकंड टारगेट, और S3 से R1 हो गया हमारा थर्ड टारगेट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसमें टारगेट निकाल सकते हैं एसेंडिंग ट्रायंगल में। अगर हम दूसरा एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नीचे से जिधर से सपोर्ट लिया उधर से पहले रेजिस्टेंस तक हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और जिधर ब्रेकआउट हुआ उधर हम लोग जाके रख लेंगे, तो हमारे ये लोग होगा पहला टारगेट, ठीक है। सेम अगर ये नीचे के साइड देता है तो हम उल्टा करेंगे, ये जो लाइन से वो नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे और ये ब्लैक कलर के लाइन इधर नीचे पेस्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एसेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट, ठीक है। पैटर्न ट्रेडिंग में हमारा सेकंड टॉपिक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसको पिनर ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिखता कैसे है, ठीक है, ये देखो इसमें कैसे रहता है, प्राइस ऐसे प्राइस जो है वो कम 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 होते जाता है, मतलब दोनों साइड से प्राइस प्रेस हो जाता है। मतलब अप साइड का एक रेजिस्टेंस रहता है और डाउन साइड से सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से बन सकते हैं, एक तो नीचे से भी प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकता है या फिर ऊपर से आके प्राइस नीचे ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो इसमें R1 R2 R3 हमारे हो गए रेजिस्टेंस लेवल और S1 S2 S3 हो गए हमारे सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो इसमें टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें इसमें भी दो प्रकार के हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं, एक तो छोटे टारगेट या फिर लॉन्ग टर्म टारगेट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रहेगा पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस R3, ये हमारा हो गया, अगर ऊपर से ब्रेकआउट देता है तो हमारा हो गया ये फर्स्ट टारगेट। देन दूसरा टारगेट कैसे रहेगा, S1 से लेके R2 तक, तीसरा टारगेट रहेगा हमारा R2 से लेके S2 तक, ठीक है। तो ये दिखता कैसे हम लोग देखते हैं चार्ट में, ये देखो प्राइस ऊपर, अगर ये नीचे से ऊपर जाता है और ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर प्राइस कम कम होते जाता है तो ये अपसाइड का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर ये प्राइस ऊपर से आता है और ट्रायंगल में रहता है तो ये नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग टारगेट में देखते कैसे दिखेंगे, ये देखो इसमें हमारा टारगेट कैसा रहेगा, अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारा जो ब्लैक लाइन रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ब्लू लाइन हमारा सेकंड टारगेट और ऑरेंज लाइन हमारा थर्ड टारगेट, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक या फिर रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन इधर पेस्ट करेंगे, ठीक है, इधर रख देंगे उठा के। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म का टारगेट, ठीक है। हमारा तीसरा और लास्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो ये दिखता कैसे है, ये देखो प्राइस
जो है ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर आएगा, और ये रेंज में ही चलेगा, ठीक है। मतलब एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस लाइन रहेगा और ये नीचे का सपोर्ट लाइन रहेगा, ये दोनों लाइन के बीच में ही चलता रहेगा, ठीक है। बट ये सपोर्ट इसका कांस्टेंट रहेगा, मतलब इधर ही आके ये जोन जोन में आके ये प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, बट ऊपर का उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो ये देखो ये बाजू में एक चार्ट ओपन हुआ है, प्राइस नीचे से ऊपर आया, सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया तो एक और एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसमें हमारे टारगेट कैसे रहेंगे, तो इसमें हमारे टारगेट रहेंगे S1 से लेके R3 तक, ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, ठीक है। दूसरा टारगेट कैसा रहेगा, S2 से लेकर R2 तक, और तीसरा टारगेट रहेगा S3 से लेकर R1 तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडेंट ट्रायंगल। इसको हम लोग टारगेट में देखते हैं कैसे दिखाई देगा, चार्ट में देखते हैं। ये देखो अभी हम लोग ये इसमें क्या करते हैं, नीचे के साइड का हम लोग देखते हैं कि कैसे टारगेट निकालेंगे। तो सीधा क्या करने का, S1 से लेके R3 तक एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको उठा के जिधर जिस साइड ब्रेकआउट देगा उधर हम लोग उसको रख देंगे। अगर ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो ये ब्लैक कलर का लाइन हम लोग इधर ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, जो ब्लू कलर का लाइन है वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, सपोर्ट 2 से लेके रेजिस्टेंस 2 तक, ये उठा के जिस साइड ब्रेकआउट हुआ है उधर जाके उसको रख देंगे। ये देखो अगर हम एग्जांपल लेते कि इसने नीचे के साइड में ब्रेकआउट दिया है तो हम लोग इसको नीचे के साइड में रख देंगे। तीसरा लाइन रहेगा हमारा ऑरेंज का लाइन, सपोर्ट 3 से लेके रेजिस्टेंस 1 तक, ये उठा के हम लोग इसको नीचे रख देंगे। तो ये होगा हमारे तीन टारगेट। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट, पहले सपोर्ट तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको उठा के नीचे रख देंगे। ये देखो तो यह हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट। तो ये थे आज के हमारे पैटर्न ट्रेडिंग का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का तीसरा पार्ट था। तो ऐसे हम लोग अभी चौथा पार्ट भी लॉन्च करेंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सीख सकते हैं पैटर्न्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करो, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।